भारत जोड़ो यात्रा में आज हम ऐसे कपल से मिले हैं जो एकमात्र कपल है, डॉक्टर राकेश पांडे और डॉक्टर सीमा पांडे जी। ये दोनों कन्याकुमारी से चल रहे हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। हम इन लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं। नमस्ते दोनों। आप लोग, आप डॉक्टर राकेश पांडे जी को देख सकते हैं, वो भी एक हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं जिस प्रकार राहुल जी चल रहे हैं। तो हम दोनों से बात करेंगे। नमस्ते। आप लोग किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं यात्रा में, पहले आप बताइए डॉक्टर राकेश पांडे जी। देखिए, उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे 47 के पहले देश गुलाम था, आज फिर से गुलामी की जंजीरों में देश को जकड़ने का बहुत प्रयास हो रहा है और उससे बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए ही हम लोग इस यात्रा में चल रहे हैं। और आप लोग एक किताबें भी बांट रहे हैं, उन किताबों के बांटने के पीछे उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि गांधी जी को लोगों ने ठीक से, जो आम जनता ने पढ़ा नहीं है, उनको महान बताया गया, महान मान लिया, लेकिन गांधी जी की क्या महानता है वो जानकारी नहीं। और इस बीच में उनके जो विरोधी कुछ जो देशद्रोही लोग हैं, उन्होंने विश्व उगला और उनके देश को खराब करने का प्रयास किया। ये देख करके, क्योंकि बाकी किताबें जो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद्रोह, ये बहुत मोटी किताब है, लोग नहीं पढ़ पाते। चूंकि अब चूंकि क्या है, नेट के बाद पढ़ने का चला पहुँचा रहे हैं, तो हमारे पास यही रास्ता बचा है कि हम घर घर पहुँचे और जनता की बात सुने और जनता से संवाद कर करके अपनी बात भी उन लोगों से जब मौका लगे तब कहें, तो वही सब हो रहा है। और इसके नहीं, घरे जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिल रही है, जो भारत जोड़ो यात्रा का कंटेंट जिन भी फेसबुक पर डलता है उनकी रीच कम हो जाती है। ये तो हमने आपको बताया है कि ये तो सारा मीडिया के ऊपर उनका कब्जा है पैसे से। अब वो जो है स्थिति, उसी से हम लोग लड़ रहे हैं, सब ऊपर चल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। दिखाते हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाते। धन्यवाद।